नमस्कार दोस्तों, हिरण्य अनबॉक्सिंग का आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो भी एक फ्लिपकार्ट का ही प्रोडक्ट है जो कि आज ही आया है हमारे पास। और ये जो है ये काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है और जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि ये लवलेक का जो है एक टॉय कार है जो बच्चों के लिए, मेरी बच्ची के लिए घर पर यूज़ करने के लिए लिया है मैंने। ये इससे पहले भी एक लिया था जो कि मणिपुर में है और अभी मैं असम में हूँ तो ये घर के लिए लिया है मैंने। तो वो वाला कैरी करके लाने के लिए थोड़ा सा फ्लाइट में मुश्किल हुआ था तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी आना जाना होता रहता है तो यहाँ पे भी एक आगे रख देता हूँ क्योंकि वो था मिस एंड सिप का और ये जो है ये लवलेक का है। तो चलिए देखते हैं क्वालिटी कैसा है, आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और फिलहाल जो इसका प्राइस है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस बार जो है आप देख सकते हैं कि ब्रांड बॉक्स दिया हुआ है क्योंकि लवलेक का है तो ब्रांड बॉक्स तो ज़रूर रहेगा और लवलेक का प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये रहा, आपको साइज दिख रहा होगा, मतलब जो शेप है वो दिख रहा होगा। तो इस तरीके का है इसका शेप, साइड में करता हूँ। और हमेशा की तरह जो है हाथ में चाकू रहता नहीं है मेरा तो हाथ से ही काम चला लेता हूँ। ये रहा बॉक्स खाली है लवलेक का और इसका जो MRP है वो है 1795 और हमें 1200 समथिंग का मिला है। तो हमेशा की तरह इसमें कुछ बेबी डेंट टूथपेस्ट दिया है एक साथ में, ये गिफ्ट है शायद, ये मुझे पता नहीं था वहाँ मिलेगा बोल के। और छोटे छोटे प्रोडक्ट थे इसमें तो बिखर गए हैं इधर उधर। तो चलो ये वाला, इसमें स्टेयरिंग लगाना पड़ेगा, पिछले वाले में स्टेयरिंग ऑलरेडी लगाया हुआ था तो इसमें लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं फटाफट जो है इसको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ और क्वालिटी कैसा है वो भी बता देता हूँ आपको। तो इसमें और एक खास बात ये है ना कि इसमें ना स्टिकर दिया हुआ है 1-2 करके, आप देख पा रहे हो ना यहाँ से, तो ये आपको खुद ही लगाना है। और जो यहाँ पर स्टिकर नहीं है क्योंकि ये स्टिकर निकलने का चांसेस रहता है तो इसीलिए, और कोई कोई क्या होता है कि रिटर्न भी करता है ना प्रोडक्ट को। तो चलो ठीक है, बढ़िया है। तो मैं इसका मैनुअल चेक कर लेता हूँ और मैनुअल चेक करने के बाद जो है इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है इसका क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दो वाशर आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, ये इस टाइप के वाशर मिल जाएंगे तो ये, और एक क्लिप मिल जाएगा। तो एक वाशर को जो है ना आपको पहले ना आपको ये दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले ये जो रोड है ना उसको यहाँ पे ऐसे डाल लेना और रोड डालने से पहले ना आपको इस टाइप, इस साइड का जो ये व्हील है उसको पहले लगाना है। यहाँ पे एक लॉक है और यहाँ पे अनलॉक है तो इसमें पहले ऐसे डालना है, एक में सिखा देने से आपको बाकी सारा आ जाएगा। ये ऐसे लगा दिया, लगाने के बाद जो है यहाँ पे जो ये वाशर है ना तो इस वाशर को आप एक आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ लगाने के बाद इस वाले में ये लग जाएगा, ये डल जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे और एक वाशर लगा दो, यहाँ एक वाशर लगा दिया। उसके बाद जो है ये पिन है, इस पिन को यहाँ पे एक हल्का सा होल है उसमें डाल देना, उससे पहले इस व्हील को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये व्हील लग गया यहाँ पे, आपको यहाँ ट्राई करना है कि ये जो है यहाँ क्लिप लग जाए और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा, हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा आपको क्लिप लगाने के लिए। तो देखो ये लग गया यहाँ पे, यहाँ पे लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद देखो ये आराम से जो है व्हील जो है घूम रहा है। और व्हील केप जो है, व्हील केप को आप इसके हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आप लगा लो। तो ये आपका व्हील केप भी यहाँ पे लग गया, देखो व्हील कैप भी लग गया तो काफ़ी बढ़िया जो है स्माइल वाला व्हील कैप है। तो ये लग गया काफ़ी आसानी से, चलो हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद दिखाते हैं पूरा। तो अभी जो है स्टेयरिंग का टाइम है तो स्टेयरिंग को लगा रहा हूँ। तो
मेरा स्टेयरिंग भी हो गया। अब इसका कैप जो है ये लगा देता हूँ, कैप दोस्तों। ये मेरा कार बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से आप लोडिंग के लिए कुछ रख सकते हो, बॉक्स है यहाँ पे। उसके बाद जो है बैटरी का मुझे अभी तक मिला नहीं है, बैटरी कहाँ लगाना है तो वो मैं चेक करता हूँ उसको। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, शायद नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कुछ है ना। इसका स्टेयरिंग के ठीक नीचे यहाँ पे है बैटरी, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है बैटरी। तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये है हमारा आज का जो है लवली का कार। दोस्तों बैटरी मैंने यहाँ से खोला, और बैटरी जो है ना ये बड़ा वाला बैटरी चाहिए, जो रिमोट बैटरी आता है ना, सॉरी रिमोट वाला नहीं, पेंसिल बैटरी आता है ना वो आता है। और अभी मेरे पास पुराना बैटरी था, कुछ साउंड यहाँ से आता है, और ऐसे कुछ लाइट नहीं जलता। लास्ट वाले में लाइट जलता था ना, वैसा नहीं है, बस म्यूजिक है इसमें। तो इसका गेटअप कुछ ऐसा है, जो इसका क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है। तो ये है, सिंपल सा है, तो यही है प्रोडक्ट हमारा। तो 500 का डिफरेंस है वो लास्ट टाइम जो लिया था वो, अगर आप लेना चाहते हो तो। बाकी स्मूथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप रास्ते में भी इसको चला सकते हैं, रोड में भी चला सकते हैं इसको। देखो दोस्तों प्रोडक्ट जो है, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इस प्रोडक्ट का तो हैवी है नो डाउट, पर जो इसका रेट है ना, इसका जो प्राइस है वो 1200 ना होकर ये 800 या फिर 1000 तक अगर हो जाता ना तो जस्टिफाई होता। तो फ़िलहाल जो है हम अपने बच्चों के लिए तो मजबूरी में ले ही लेते हैं, तो अगर ये बिग बिलियन में शायद 800 या फिर 1000 के बीच में होगा, 800 और 1000 के बीच में अगर ये प्रोडक्ट मिलता है तो आप ले लो। और 1200 में मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर क्वालिटी ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। पर अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हो और आप कुछ दिन वेट करना चाहते हो, ऐड टू कार्ट में रख देना, ये अपने आप कम हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों प्रोडक्ट यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट में, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो आज का प्रोडक्ट यही था। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, डे टू डे लाइफ से जुड़ी हर प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।